शुरुआत में हालांकि आपने न्यूरो प्रॉब्लम का जिक्र किया था, बात भी सही है, शुगर की परेशानी लंबे वक्त तक रहने पर सर्कुलेटरी सिस्टम भी इससे प्रभावित होता है। हाथ पैर में कमजोरी, कंपन जैसे लक्षण दिखते हैं, तो शरीर की नसें मजबूत रहे, इसके लिए स्वामी जी हमें क्या उपाय करना चाहिए? इसके लिए एक तो सूक्ष्म व्यायाम करें, चलो दोनों पैर सामने खोल लो और ऐसे कर देखो, एक तो ये अभ्यास करने चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम के साथ, भस्त्रिका कपालभाति जब वेग पूर्वक छोड़ देते हैं, भस्त्रिका कपालभाति के साथ पैरों को आगे पीछे दबाया, फिर ऐसे गोल गोल घुमाया, फिर ऐसे गोल गोल घुमाने के साथ साथ फिर ऐसे ये अभ्यास कर लिया, फिर बटरफ्लाई कर ली, हाथों के भी सूक्ष्म व्यायाम कर लिए, अश्वगंधा शतावर सफ़ेद मूसली या इम्यूनोग्रिट पाउडर, दूध में शिलाजीत, अश्वगंधा और शतावर एक एक ग्राम डाल करके वो भी पी सकते हैं, और ओमेगा बड़ा ज़बरदस्त होता है, गाय का एक चम्मच घी ले या एक कैप्सूल ओमेगा का जरूर खा लिया करें, या फ्लैक्सीड ले लिया करें, एक चम्मच तिल और एक चम्मच अलसी, तिल को सेसमे, अलसी को फ्लैक्सीड बोलते हैं, एक चम्मच तिल खा लो, एक चम्मच फ्लैक्सीड ले लो, कभी भी न्यूरो प्रॉब्लम्स जिंदगी में नहीं होंगी, नसनाड़ियों की, दिमाग की दिक्कत, और फिर ये हाथों में कंपन, बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं, तो ये इन चीज़ों से बच जाओगे। ये बटरफ्लाई और साथ साथ सूक्ष्म व्यायाम भी बता दिए, सारी नसनाड़ियाँ इससे अच्छी रहती हैं। तो ओमेगा बहुत ही ज़बरदस्त है, अश्वगंधा शतावर सफ़ेद मूसली बहुत ज़बरदस्त है, इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी इसके लिए बहुत ज़बरदस्त है, और न्यूरोग्रिट तो पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया तक भी हो जाए, नसनाड़ियाँ पूरी की पूरी जब एकदम बेकार सी होने लगे, ऐसा लगे कि अब और ज़्यादा नसनाड़ियाँ हिलने लगी और ज़्यादा कमज़ोर हुई, तो फिर जीना ही मुश्किल हो जाएगा, ऐसी परिस्थिति में भी हम लोगों को ठीक कर देते हैं, ऑटोमेन डिजीज तक ठीक कर देते हैं, MND तक हमने ठीक कर दिया है अब तो इसलिए मस्कुलर डिस्ट्रोफी तक ठीक हो जाते हैं। ये इम्यूनोग्रिट, न्यूरोग्रिट और अश्वगंधा शतावर सफ़ेद मूसली, इन सब चीज़ों का, अश्वगंधा का कैप्सूल ले लो और ज़्यादा प्रभावी होता है मेरी बहन। अच्छा स्वामी जी, देखिए विज्ञान जो है बहुत तेजी से जो है तरक्की कर रहा है, इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करना पड़ेगा, और जो वैज्ञानिक हैं वो अब आर्टिफिशियल पैनक्रियाज बनाने की बातें कर रहे हैं कि पैनक्रियाज आर्टिफिशियल बनेगी, फिर उससे जो है शुगर को कंट्रोल कर लिया जाएगा, ताकि टाइप 1 जो डायबिटीज़ है इससे कंट्रोल कर ली जाए। अच्छा, बड़ों को तो छोड़िए, बच्चे भी डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि फैमिली हिस्ट्री भी नहीं होती, तो क्या टाइप 1 डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं, जो बच्चे हैं, क्या उनको कुछ अलग से करवाने की ज़रूरत है, या जो आप पहले बता चुके वही उनके लिए भी काफ़ी है? तो देखो, टाइप 1 डायबिटीज़ वाले जो बच्चे होते हैं वो मंडूक आसन की तरह ही ये योग मुद्रासन भी कर लेते हैं, पद्मासन में बैठ करके और आगे झुकना, ये योग मुद्रासन है, और जो बच्चे होते हैं वो तो पद्मासन में पीछे से पैर पकड़ लेते हैं ऐसे, और फिर आगे झुक जाते हैं, ऐसे पकड़ के फिर आगे झुक जाते हैं, और वो ऐसे उनसे हम मयूरासन भी करा देते हैं, और आपने तो देखा है मेरे भाई हुसैन, हमने 50-100-125 यूनिट तक जिनको इंसुलिन लग रहा था उनको ठीक कर दिया, कपालभाति करते करते पॉइंट भी दबा देते हैं ये, और 1-2 सप्ताह में डायबिटीज से उनको नॉन डायबिटी कर देते हैं, इंसुलिन और शुगर की दवाइयाँ दोनों ही बंद कर देते हैं। आप एक बात और बताता हूँ, देखो टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज जब अच्छी होती है, ये हमने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया है, हम बिना रिसर्च एविडेंस के, बिना साइंटिफिक वैलिडेशन के, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के बिना कोई बात नहीं करते, और तो हमारे पास तो दोनों तरह के अब पूरे एविडेंस है, रियल वर्ल्ड एविडेंस, हजारों लोगों को नॉन डायबिटी कर दिया टाइप 1 वालों को, टाइप 2 का तो बात ही छोड़ो, और दूसरा साइंटिफिकली प्रूव कर दिया है कि पेनक्रियाज पूरा एक्टिवेट हो जाता है और व्यक्ति नॉन डायबिटिक हो जाता है। ये जो आर्टिफिशियल जो लगाने के चक्कर में है पेनक्रियाज, वो बॉडी की टेंडेंसी नहीं बदल सकेंगे, जिसको जो
शुगर वाले पेशेंट पेनक्रियाज भी नया लगाएंगे तो फिर वो भी दोबारा से पेनक्रियाज बेकार हो जाएगा। जब तक बॉडी की टेंडेंसी अच्छी नहीं होगी और हमारी मूल प्रकृति अच्छी होगी योग से, इसलिए योग तो करना ही पड़ेगा। ये नकली पेनक्रियाज, नकली लीवर किडनी, नकली फेफड़े, ये नकली आँखें, नकली कान, ये सब लगा लगा करके कब तक हम जिंदा रहेंगे जुगाड़ तिगड़म करके। इसलिए योग से असली वाला मामला समझो, हाँ, अपने मूल प्रकृति से जुड़ो, अपने आप को उभारो, अपनी चेतना को उभारो, और यही योग है। संकल्प पूर्वक योग करें, संकल्प पूर्वक कपाल भाति अनुलोम विलोम, सेल्फ मोटिवेशन के साथ, सेल्फ इंस्पिरेशन के साथ, सेल्फ डायरेक्शन के साथ अपने पेनक्रियाज को ऐसा डायरेक्शन दे, मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, इस संकल्प के साथ। इसको संकल्प साधना, संकल्प सिद्धि कहते हैं मेरे भाई हुसैन, इसका बड़ा लाभ है। और मैंने एक एक दिन में लोगों की 50-50, 100-100 यूनिट इंसुलिन ठीक की छुड़वाई है केवल इसी संकल्प से। इसको मैं बोलता हूँ विकल्प रहित संकल्प, फिर अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। और जिनको ये जो पेनक्रियाज गड़बड़ हो जाता है ना, तो गीला पानी की पट्टी यहाँ रखवा देते हैं, पित्त बढ़ने से शुगर की बीमारी बढ़ती है, पित्त बढ़ने से। तो ये मिट्टी पट्टी अथवा ठंडे पानी की पट्टी पहले गीली लगाई, ऊपर से सूखा कपड़ा बांध दिया और इसी में कपाल भाति करते रहे, इसी में मंडूकासन, योग मुद्रासन करते रहे, तो ज़्यादा लाभ हो जाता है।